नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आईटीआई स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्ममापी यंत्र यानी फिटर थ्योरी का, यह लेसन 6 वीडियो रहने वाली है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें माइक्रोमीटर की, तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, यानी कि यूज किसके लिए करते हैं। तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है इसका हम प्रयोग करते हैं बाहरी माप लेने के लिए। बाहरी माप लेने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जो माइक्रोमीटर होता है, अगर हम बात करें इसके अल्पतम माप की यानी लिस्ट अकाउंट की, तो इसका अगर लिस्ट अकाउंट की बात करें तो इसका लिस्ट अकाउंट मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर होता है, जबकि इंच में यानी ब्रिटिश में बात करें तो यह पाया जाता है हमारा 0.001 इंच, यानी कि जो हमारी माइक्रोमीटर होती है ब्रिटिश प्रणाली में या 0.001 इंच में लिस्ट अकाउंट इसका पाया जाता है। और जो हमारा माइक्रोमीटर होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, जैसा कि अभी आप फिगर में देख पा रहे हैं। आइए हम इन माइक्रोमीटर जो दिया है इसके सभी भागों के एक एक करके जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रेम की, फ्रेम जो होता है यह हमारा कास्ट आयरन से बनाया हुआ होता है, जिस पर क्या होता है, इसके फ्रेम पर माइक्रोमीटर के साइज को भी दर्शाया हुआ होता है। अगर जैसे कि हम बात करें एनविल की, तो जो एनविल होती है यह हमारी एलाई स्टील से बनाई हुई होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें स्पिंडल की, तो जो माइक्रोमीटर का स्पिंडल होता है इसको क्या करते हैं, क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है। इसको क्रोमियम स्टील को हम क्या करते हैं, कठोर करके ग्राइंड करके हम इसके स्पिंडल को बनाते हैं। और इसके जो हमारे स्पिंडल होते हैं इसके आगे के भाग पर हम क्या करते हैं, कार्बन का टिप लगा देते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें लॉक नट की, तो लॉक नट का प्रयोग हम करते हैं स्पिंडल को लॉक करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो स्पिंडल है कि यह घूम जाता है, तो क्या होता है कि उस स्थिति में हमारा स्पिंडल घूमे ना, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, लॉक नट का यूज करते हैं स्पिंडल को लॉक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्लीव। अगर हम स्लीव की बात करें, तो जो हमारी स्लीव होती है यह हमारी क्रोमियम स्टील से बनाई हुई होती है। अगर इसके जो हमारे क्रोमियम स्टील से हमारी स्लीव बनाई जाती है, इसी पर क्या होता है कि हमारी डेटम लाइन बनी होती है, यानी कि कह सकते हैं कि स्लीव पर ही डेटम लाइन बनी हुई होती है। अगर इसी प्रकार हम नेक्स्ट की बात करें यानी थिम्बल की बात करें, तो जो हमारा थिम्बल होता है यह भी हमारा क्रोमियम स्टील से बना होता है। और थिम्बल पर क्या होता है कि हमारा जो थिम्बल होता है इसके एक भाग का मान जो होता है ये हमारे माइक्रोमीटर के अल्पतम माप को दर्शाता है। यानी कि थिम्बल पे जो हमारा मान दिया रहता है, एक भाग का मान जो रहता है, ये हमारे थिम्बल यानी कि माइक्रोमीटर के अल्पतम माप को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा रैचेट। अगर हम रैचेट स्टॉप की बात करें, तो रैचेट का हम प्रयोग करते हैं चाप को सही माप लेने के लिए, हम रैचेट का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है, तो माइक्रोमीटर जो होता है यह हमारा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। और अगर हम बात करें कि एक चक्कर में थिम्बल कितना दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में जो हमारा थिम्बल होता है वह 0.5 मिलीमीटर की दूरी तय करता है। या कह सकते हैं कि जो हमारा थिम्बल को अगर हम एक चक्कर घुमाएंगे तो हमारा जो स्पिंडल है वह 0.5 मिलीमीटर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर का सिद्धांत। जैसा कि हमने अभी ऊपर ही बात किया कि माइक्रोमीटर जो होता है हमारा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, और थिम्बल जो होता है एक चक्कर में 0.5 मिलीमीटर की दूरी तय करता है, जैसा कि हमने इससे पहले ही अभी बताया ही है। तो नेक्स्ट है हमारा मेन पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। जैसे कि अभी हमने ये सभी पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, तो इनके बारे में बताने में वीडियो काफ़ी लंबी होगी। अगर इन सभी फ्रेम जो हमारे पार्ट्स के बारे में बताएं, अगर इनको आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।
आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर के अल्पतम माप के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यह माइक्रोमीटर जो होता है, इसके सिरे पर मिलीमीटर में निशान ना देकर क्या दिया रहता है, इंच में दिया रहता है। और जो हमारा ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है, अगर इसके हम एक भाग के मान की बात करें, तो इसका जो एक भाग का मान होता है वह 1/10 इंच या कह सकते हैं हम कि 0.1 इंच दिया रहता है। और जिसे हम क्या कहते हैं कि जिसे हम डिवीज़न कहते हैं। और अगर हम प्रत्येक मेन डिवीज़न की बात करें, तो जो प्रत्येक मेन डिवीज़न होता है या 4 भागों में बांटा गया होता है। और इसके अगर हम एक भाग के मान की बात करें, तो एक भाग का मान जो होता है 1/40 या कह सकते हैं 0.025 इंच दिया रहता है। और जो हमारा एक सब डिवीज़न की बात करें, तो एक सब डिवीज़न का मान जो होता है वह हमारा होता है 0.025। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि माइक्रोमीटर की रीडिंग। माइक्रोमीटर की रीडिंग मीट्रिक सिस्टम में हम किस प्रकार लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, यह हमारा अगर हम बात करें तो सिलू के जो मेन डिवीज़न होते हैं या कितने मिलीमीटर में रहते हैं, तो सिलू के जो मेन डिवीज़न होते हैं 1 मिलीमीटर में पाए जाते हैं। और सिल्यू के एक सब डिवीज़न की बात करें, तो सिल्यू जो होता है इसके सब डिवीज़न जो होते हैं 0.5 मिलीमीटर होता है। जबकि अगर हम बात करें एक थिम्बल की डिवीज़न बात करें, तो थिम्बल के एक डिवीज़न का जो मान होता है वह हमारा होता है 0.01 मिलीमीटर। और नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा वर्नियर जो स्केल होता है। वर्नियर स्केल का एक सब डिवीज़न का मान कितना होता है, तो वर्नियर स्केल के एक सब डिवीज़न का मान जो होता है वह हमारा होता है 0.001 मिलीमीटर। इसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि रीडिंग इन ब्रिटिश में, यानी ब्रिटिश में माइक्रोमीटर की रीडिंग किस प्रकार लेते हैं। तो ब्रिटिश में होता है, इसकी बात करें तो नंबर एक में होता है सिल्यू का। अगर हम एक भाग के मान की बात करें, तो सिल्यू के एक भाग की मान जो होता है वह होता है 0.1 इंच। जबकि अगर हम बात करें सिल्यू के एक सब डिवीज़न की, तो सिल्यू के एक सब डिवीज़न का मान ब्रिटिश में होता है 0.025 इंच। इसी प्रकार अगर हम बात करें एक थिम्बल के शून्य डिवीज़न की, तो जो हमारा ब्रिटिश में एक थिम्बल की शून्य डिवीज़न जो होती है हमारी होती है 0.01 इंच। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 0 Error in Micrometer, यानी कि जो त्रुटियां होती है माइक्रोमीटर की, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।